उल्टी सीधी डाइट कर चुके हैं खाना पीना बंद करके देख चुके हैं पर उनका वज़न कम नहीं होता तो क्या करें अगर आप भी परेशान हैं कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स राइट बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है इट्स लाइक like केस uh, उसको केस को सॉल्व करने के लिए आपको हर पहलू समझना पड़ेगा सो so, आपका वजन कम नहीं हो रहा ये हमारे लिए केस है और उसकी हर एक पहलू को समझना आपके लिए ज़रूरी है सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट सो लेट्स विद दिस डिस्कशन एंड येस यू नो आई एम डॉक्टर परमजीत एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर डेली एन सी आर एंड आई मेक वीडियोज़ अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ केयर टॉपिक्स और आज हम बात करेंगे कि वॉट डू यू नीड टू नो अबाउट वेट लॉस फॉर वेट इफ यू नॉट एबल टू लूज योर वेट ठीक है सबसे पहली चीज़ आपको यह समझना जरूरी है कि ज्यादा खाना खाने से वज़न नहीं बढ़ता गलत खाना खाने से गलत खाना ज्यादा खाने से वज़न बढ़ता है ज्यादा खाना खाने से नहीं बढ़ता ये मैं अभी प्रूफ करूँगा सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कि वेट लॉस इज एक्चुअली 80% diet and एंड exercise. So एक्सरसाइज सो इफ़ यू नॉट एक्सरसाइजिंग यू आर मिसिंग आउट ऑन 20%, परसेंट इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी राइट सो एक्सरसाइज कर लेना बेहतर है राइट right? सो so 20% effectiveness इफेक्टिवनेस आपकी एक्सरसाइज itself करेगी मिनिमम एक्सरसाइज ढाई घंटा हफ्ते भर में कौन नहीं कर सकता राइट सो वी कम टू दैट सो अब बात आ रही है कि ज़्यादा खाना खाना है फिर भी वजन घटाना है सो हाउ टू डू दैट आप दिन भर में चाहे हर घंटा खाओ चाहे हर मिनट खाओ आई डोंट केयर आप पूरा दिन खाते जाओ पर जितना भी खाओ और बल्कि मैं कहूँगा जितना पूरे दिन में खाते हो उससे दो गुना खाओ बकर आप खाइए सिर्फ वेजिटेबल्स सब्जियाँ खाइए सलाद खाइए फ्रूट्स खाइए जितना खाना है उतना खाइए जी हाँ ये मैं बताऊंगा कैसे क्या और थर्ड चीज आपको लेना है फैट फ्री मिल्क फैट फ्री दूध दही पनीर लस्सी छाछ राइट फैट फ्री मतलब डबल टोन्ड या स्किम्ड वाला स्किम्ड वाला है डबल टोन्ड वाला और उसी दूध का दही पनीर लस्सी छाछ बनाना है यानी बाहर से पनीर ले लिया और वो खाया नहीं स्किम्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क को आपको लेना है जितना मर्जी लो एक लीटर दो लीटर जितना पीना है आपको दो गिलास तीन गिलास चार गिलास दो लीटर का पनीर बना के खा लो आई डोंट केयर आप मोटे नहीं होंगे बात समझ रहे हैं बिकॉज इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट भी कम है फैट भी कम है प्रोटीन ओके ओके बहुत कम भी है किसी किसी वेजिटेबल्स में है ही नहीं कम है बहुत कम है। उसकी भी बात करेंगे सो ये एक बात हो गई क्या ज़्यादा खाना है इसके अलावा नीड वाटर आठ से बारह गिलास पानी कम से कम तीन, दो तीन चार लीटर दो तीन चार लीटर लिक्विड जाना चाहिए राइट एक लीटर दूध ले लिया है तो तीन लीटर पानी ले लो ऐसा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्योंकि अब पतले होने के लिए पतले होने के लिए फैट का बर्न हो के एनर्जी बनना जरूरी है फॉर दैट उसको करने के लिए आपकी बॉडी को मीडियम चाहिए मीडियम इज पानी पानी नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एक्सरसाइज नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा सो so, इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाते रहना कंटिन्यूसली धीरे धीरे हर हफ्ते हर महीने ज़रूरी है सो so, वो बात आपको याद रखनी है और कुछ चीज़ें जो है जो आपको बंद करनी होगी जो आपको समझनी है ताकि आपका वज़न जो करना है चाहते हैं वो वज़न कम हो बंद करनी या कम करनी होगी पहली है आपकी चीनी आपका जो शुगर्स दूसरा है आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी आपके जितने भी रोटी बनाते हैं जितनी चीज़ से गेहूँ बाजरा जवार ओट्स पोहा एट्सटरा एसेटरा एट्ट्रा मैगी नूडल्स बिस्किट वस्किट तो बाहर का तो बिस्किट विस्किट बंद ही करते हैं तो बेहतर है उसमें तो शुगर्स एडेड होती हैं प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है घर में जो बनता है दाल चावल रोटी सब्जी इनको कम करना होगा इसमें भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि चावल और रोटी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है अभी मैं बताऊँगा किसमें कितना होता है बट द पॉइंट इज़ कि चावल और रोटी को अगर आप आधा या आधे से आधा कर दें चावल और रोटी को आधा कर दो आधा या आधे से आधा कर दो स्लोली स्लोली रिड्यूस करो और अपनी डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ा दो घर में जो सब्जी बनती है तीन गुना खाओ दाल है दाल में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा है तो दाल उतनी खा लो या डबल खा लो ये करने भर से आपकी एक्चुअल का जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रेशियोज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे आपका मैक्रोस चेंज हो जाएगा आपको वजन कम होना शुरू हो जाएगा राइट पानी भी जरूरी है लेकिन ठीक है सो so, जितना भी आप रोटी खाते हो राइस खाते हो आधा कर दो दाल जितनी खाते हो डबल कर दो वेजिटेबल जितनी खाते हो तीन गुना कर दो राइट right. और आप एक्सरसाइज जितनी भी कर सकते हो जितनी भी कर सकते हो चाहे पाँच मिनट करो एक घंटा करो आई डोंट केयर बट यू डू है आपको करनी है रोज़ ठीक है कब करनी है सुबह 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 उठिए नहाने से पहले स्ट्रेचिंग करिए कार्डियो करिए स्किपिंग करिए जंपिंग करिए जॉगिंग करिए जिम जाइए यू डू वॉट यू वॉन्ट उठ नहीं सकते बेड पे लेटे लेटे पैर उठाइए कम नीचे करिए हाथ हिलाइए दस मिनट पाँच मिनट दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज इंक्रीजेज योर मेटाबोलिज्म ठीक है ये बेसिक समझना ज़रूरी है इसके बाद क्या समझना है कि भाई जो ऑयल यूज़ हो रहा है घर में वो गलत नहीं यूज़ करना है ऑयल यूज़ करिए जिसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स रेशियो परफेक्ट हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर पूरा मेरे वीडियोज़ हैं कुकिंग ऑयल पर अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा ये मैंने अच्छे से समझाया है उसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स रेशियो बेस्ट है दो ही ऑयल है एक है मस्टर्ड ऑयल एक है कैनोला ऑयल राइट सो आप मस्टर्ड यूज़ करिए कैनोला यूज़ करिए और सेकेंड क्लोज पहुँचता है उस पर राइस ब्रान ऑयल ठीक है घी बटर मक्खन मलाई बंद करना होगा घी खा सकते हैं देसी घी एक चम्मच बस एक चम्मच से ज़्यादा नहीं एक चम्मच रोज़ वो एक चम्मच आप पराठे में लगाओ चाहे साग में डालो चाहे दाल में डालो ये आपकी मर्जी है राइट दैट्स अप टू यू तो इस तरह से आपको खाना खाना पड़ा और आइडियली पूरे हफ्ते में ढाई घंटे की एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए अगर ढाई घंटे नहीं होते हैं तो डेढ़ घंटा एग्रेसिव एक्सरसाइज कर लो पूरे पूरे वीक में एक हफ्ते में डेढ़ घंटा नहीं हो सकती एक्सरसाइज बिल्कुल हो सकती बताओ क्यों नहीं हो सकती तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और कुछ सिंपल फैक्ट समझिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना भी खा रहे हो उसमें सिर्फ पाँच या ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट भी है तो 20 परसेंट कार्बोहाइड्रेट है राइट प्रोटीन होंगी सिर्फ 5 परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट उससे भी नीचे सो so, इसलिए फ्रूट्स वेजिटेबल जितना मर्ज़ी खा लो कोई दिक्कत नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी एक एक किलो दो दो किलो सेब तो खा ही नहीं सकते उतना तो अपीटाइट ही नहीं होता दो खा लोगे एक बार में फिर शाम को दो खा लोगे सो दैट्स वाई इसे जितना मर्ज़ी खा लो ठीक है फिर बात आएगी ग्रेन्स की जितने भी रोटी बनाने वाले हैं गेहूं चावल आपके ये है इन सब में 60 सत्तर अस्सी परसेंट तक कार्बोहाइड्रेट है तो कहाँ 20 परसेंट फ्रूट का कहाँ 60 सत्तर अस्सी परसेंट सो 60 सत्तर अस्सी परसेंट कार्बोहाइड्रेट कम करिए उस चीज़ को कम करिए आधा कर दो ठीक और जो भी आपके दाले हैं दालों में अराउंड फोर्टी फिफ्टी परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं सो दालों को थोड़ा सा खा सकते हैं बिकॉज उसमें प्रोटीन भी है बीस परसेंट के आसपास और जहाँ तक ग्रीन्स हैं उनमें दस परसेंट से आसपास एवरेज मात्रा बता रहा हूँ मैं आपको उसमें ग्रीन्स फूड ग्रीन्स में, में। तो लेंटिल्स पल्सेस में ट्वेंटी परसेंट प्रोटीन है सो तो वो खाइए फिर आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब भी खाना खाते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि उस खाने में फिफ्टी या तो कोई ना कोई वेजिटेबल है या फिर उसमें सेलेड है या फिर उसमें फ्रूट्स है समझ रहे हो 50% यही सब है और बाकी जो 50% परसेंट है उसमें आपको प्रोटीन ढूंढना है प्रोटीन है कि नहीं है राइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है कि नहीं दूध दाल सोया पनीर चिकन मटन एग राइट टोफू पीनट्स वट एवर वट एवर यू वॉन्ट टू ईट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ये करिए हमने कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी 25 परसेंट कर दो 25 परसेंट आप प्रोटीन से ले लो बाकी 25 परसेंट आप फ्रूट सेलेड विटामस से ले लो डेफिनेटली पतले होंगे फैट्स को देखना ही फैट तो अपने साथ में आ जाता है फैट तो साथ में पकाने में इसमें उसमें किसी में कुछ में उन सब में थोड़ा थोड़ा फैट तो है ही वो साथ में आ जाएगा फैट को देखना ही नहीं है गिनना ही नहीं है एक्चुअल रिड्यूसिंग आपका वेट तो ये आपका वेट है कैलरी काउंटिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क कैलरी काउंटिंग में मत जाओ बस लुक फॉर दीज सिंपल रूल्स और फिर भी अगर आपका वज़न नहीं कम हो रहा देन यू नीड टू टेस्ट योर थारॉयड लेवल्स राइट right? एक अपने थायराइड लेवल चेक कराइए हार्मोनल लेवल चेक कराइए आपका एक तो कोर्टिसोल लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल ये बहुत ज़रूरी है चेक होना और फीमेल्स का जो लेवल चेक होता है आपका पीसीओडी के लिए चेक होता है आ, क्या नाम है उसका एफएसएच एलएच का रेशियो थर्ड डे पे तीसरे दिन जब उनका मैंसेज शुरू होता है तब होता है उनके डे बहुत ज़रूरी है राइट right? उसका फिर रेशियो देखा जाता है और भी कई सारे टेस्ट हैं वो पीसीओडी वाले वीडियो में थायराइड वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे सो so, ओबेसिटी पे बहुत डिटेल वीडियोस हैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं बहुत ईजी है करना खाते पीते होके सो so, यही मुझे आपको बताना था सो दिस इज अबाउट सम बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर नॉट एबल टू लूज वेट होप यू लाइक द वीडियो एंड होप यू इन्जॉय द वीडियो डोंट फोरगेट टू शेयर आई एम डॉक्टर परमजीत दिस इज़ योर चैनल and make sure to uh, spread it right so thank you so much guys till next time stay connected and stay healthy